कहाँ से है, क्या है क्या नहीं, कस्टमर कौन है यार, क्यों कर रहे हो इसे। सो आज के वीडियो में मैं हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ले विद मेकअप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इफ एनीवन इज न्यू टू माय चैनल देन हाय, माय नेम इज जानवी। आई मेक वीडियोस ऑन स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप व्लॉग्स एंड मच मोर। इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग माय वीडियोस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का इन डेप्थ रिव्यू एंड डेमो के साथ, विच इज द स्टे क्वर्की मिनी लिपस्टिक्स विच लुक समथिंग लाइक दिस। सो या इसके लाइक MRP प्राइजिंग क्या है, इनके कैसे शेड्स है, फॉर्मूला कैसा है, सब कुछ हम इन डेप्थ और रिव्यू के साथ मैं डेमो भी दूंगी, तो आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आई थिंक आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि आपको ये लिपस्टिक्स लेने चाहिए या फिर नहीं। सो अगर आप देखना चाहते हो तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। सो इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके से दिखता है, आपको ऐसे लिपस्टिक्स का डिजाइन बनाया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है लुक टू ग्लैम टू गिव अ डैम, जो कि उन लोगों का ऑब्वियसली एडवर्टाइजिंग लाइन होगा, थोड़ा सा कैची बनाने के लिए करते हैं ब्रांड्स। सो बाहर की पैकेजिंग बहुत अच्छी है, स्टर्डी है, क्यूट है, मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव लगती है बाहर से। सो हम चलते हैं अब अंदर की पैकेजिंग की तरफ, विच इज माई फेवरेट पार्ट। सो कैन यू गाइस सी हाउ ब्यूटिफुल दे आर लुकिंग। सो ये एकदम ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लिपस्टिक्स रखने के लिए जो स्टैंड लेते हैं ना, जो मेरे पास ऑलरेडी है, वैसा लग रहा था ये देखने में। सो इट इज टू गुड, एंड इस तरीके से आपको ओपन करना है एंड हियर आर योर लिपस्टिक्स। सो कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको लिपस्टिक, मिनी है तो इसीलिए एकदम मिनी लग रही है। और इसके नीचे आपको सिर्फ लिखा होगा कि इसका जो शेड है वो क्या है, यह है 16 द लाइट्स गो फॉर व्हेन द लाइट्स गो, सॉरी इसका बड़ा नाम है, यू कैन सी हाउ इट इज। एंड या बहुत ही सिंपल पैकेजिंग है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब में आपको इसी तरीके से लिखा रहेगा। एंड यू आर गेटिंग लिटरली 12 शेड्स, सो इसमें आपको रेड लिपस्टिक्स है, पिंक्स है, ब्राउन्स है, डार्क ग्रे मरून कलर काइंड ऑफ शेड भी है, वो आपको आगे स्वॉचेस में दिख जाएगा। तो आई थिंक अगर ऐसा कोई लिपस्टिक अगर आप लेते हो तो आपकी आई थिंक सारे ही कवर हो जाते हैं, पिंक है, न्यूड है, ब्राउन है। सो अगर कोई कॉलेज गोइंग गर्ल्स है जिनको बजट में लिपस्टिक्स खरीदना है या जिनको ज़्यादा शौक नहीं है और सिर्फ कभी कभी लगाने के लिए खरीदना है, तो आई थिंक दिस इज़ अ बेस्ट ऑप्शन उन लोगों के लिए। सो इसके ऊपर यू नो ऐसे लिखा हुआ है कि इसके पीछे आपको इसका कस्टमर केयर नंबर सब कुछ दिया हुआ है, ये कहाँ से है। एंड या नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। सो दिस इज प्राइज्ड एट ₹399 पैकेज के ऊपर, आउटर पैकेजिंग के ऊपर भी है, यहाँ पर भी ₹399 आपको क्लियरली लिखा हुआ है, लेकिन पर्पल पर जो मुझे प्राइसिंग मिला था वो है ₹319 जिस पर मेरे को ये ऑफर आया था। एंड पर्पल पे हर आए दिन डिस्काउंट्स चलते रहते हैं, तो कुछ कोड वोड था जिससे मेरे को ₹100 का ऑफ मिल गया, जिससे आई थिंक 270 के आसपास मैंने इसके लिए पे किया था। सो ऑल इन ऑल मैं कहूँ तो मैंने इसके लिए ₹300 पे किया था, जिसको अगर आप डिवाइडेड बाय 12 करके देख लोगे तो 17-18 रुपीज़ आई बिलीव एक लिपस्टिक के लिए आप पे कर रहे हो, विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। एंड आपको इतने से रेंज में इतने सारे वेराइटी ऑफ लिपस्टिक्स मिल जाते हैं, सो लाइक इट्स वेरी गुड। एंड अगर आप रेगुलर बेसिस पे लिपस्टिक्स नहीं लगाते तो और अच्छी बात है, यू नो मिनी लिपस्टिक्स है तो ज़्यादा दिनों तक चलने का प्रॉब्लम भी नहीं, क्योंकि कुछ लिपस्टिक्स होती है जो सालों साल हम लगाते हैं फिर भी ख़त्म नहीं होती है, पड़ी रहती है, फिर एक दिन उनका एक्सपायरी डेट आ जाता है और उनको उन्हें फेंकना पड़ता है, लेकिन इन लिपस्टिक्स के साथ वैसी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये है ही इतनी छोटी सी, अगर ख़त्म हो जाए तो आप वापस ले लेना, नहीं तो यू नो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, आपको भी ये बात पता है।
सो या दिस इज ऑल एंड ऑल विच मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगी. पैकेजिंग बहुत अच्छी है, प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है. फॉर्मुलेशन वगैरह मैं आपको डेमो के बाद बताऊंगी. तो या डेमो तो देख ही लिया होगा. इन लिपस्टिक्स में बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स है, रेड्स है जो आप हर एक इवेंट में पहन सकते हो, पिंक्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेड में भी आपको 3-4 रेड मिल जाएंगे, हॉट रेड, बर्गंडी रेड, फिर थोड़े बहुत ब्राउन्स है, वायलेट है. तो देयर इज सो मच ऑफ वर्सेटाइलिटी. अगर कुछ लोगों को बोल्ड कलर्स के साथ खेलना अच्छा लगता है तो वो लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं. इनकी फॉर्मुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है. ऑब्वियसली इट्स लाइक अ बुलेट लिपस्टिक, सो आपको इसको मैट करने के लिए पाउडर लगा के करना पड़ेगा, वरना ही ऑब्वियसली मैट नहीं होंगे. ऑब्वियसली ये लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है, एटलीस्ट 2-3 आवर्स में एक बार आपको इन्हें टचअप करना पड़ेगा अगर आप खाते हो तो, वरना आई डोंट थिंक इनको टचअप की ज़रूरत है अगर आप इन्हें मैट कर देते हो तो. अगर नॉर्मली देखो तो ये ट्रांसफर प्रूफ है, अगर आप किसी अपने कपड़े पे वगैरह लगने के चांसेस है तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. लेकिन इतनी अफोर्डेबल रेंज में एक लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक एक्सपेक्ट करना तो मुश्किल है, बट जितना हम इसके लिए पे कर रहे हैं ये उतना वर्थ द मनी है, इतनी ये चीज़ मैं कह सकती हूँ. और या मेरे तरफ से डेफिनेटली इसके लिए थम्स अप है. आप आराम से इसे खरीद सकते हो, आपको बिल्कुल भी गम नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली हम 300 रुपये तो एक ऐसे ही नॉर्मल एक लिपस्टिक पे खरीद लेते हैं, लेकिन उसके बदले आपको यहाँ पे 12 लिपस्टिक्स मिल रही है, तो यार इससे ज़्यादा और क्या चाहिए. बिगिनर्स के लिए तो इट्स अ स्टील डील, डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए. इनकी फॉर्मुलेशन सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है. एंड या सो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. सो आई होप आप लोगों को मेरा ये रिव्यू हेल्पफुल लगा होगा और अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूले, इट वुड बी रियली ग्रेट. एंड मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूले, हैंडल स्क्रीन पे है, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे. एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लविंग माई वीडियोज. बाय बाय.